का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इलाज के लिए हायर सेंटर भेजे जाएंगे लालू यादव, फिर करूंगा हमला आरोपी अनिल की धमकी, शादी से पहले लड़की ने रखी शर्त। अब खबरें विस्तार से। पटना रांची, खराब स्वास्थ्य से जूझ रहे लालू प्रसाद इलाज के लिए रांची से बाहर भेजे जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी सुप्रीमो के इलाज के लिए हायर सेंटर भेजा जाएगा। डॉक्टरों की टीम कुछ ही देर में इस पर फैसला करेगी। काफी दिनों से खराब चल रहा है स्वास्थ्य, किडनी बीपी समेत कई बीमारियों से जूझ रहे हैं लालू। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला करने वाले अनिल शर्मा ने पुलिस के समक्ष कबूल किया है कि मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री उसके निशाने पर थे। उससे आज जितना हो सका उसने किया। वह एक सच्चा देशभक्त है और आगे मौका मिला तो वह फिर हमला करेगा। मेरा टारगेट है। नहीं तो तुम इससे क्या कर लोगे, के मार दोगे क्या? किसको? मैंने सिसोदिया को और इसको केजरीवाल को। नहीं तुम यहाँ मतलब टारगेट है तो ऐसे कैसे टारगेट है? कुछ नहीं आज, आज क्या किया तुमने? मैंने आज क्या कर लिया तुमने? कुछ नहीं किया। फिर भी है ना टारगेट है। मैंने फिर भी जो जितनी मेरी कोशिश थी वो मैंने की। सच्चे देश बेटे नहीं तुम्हारे? बेटी कितने? 11 साल। एक बेटी है? हाँ, और लड़के नहीं? नहीं, एक पेट में गिर गया। काम क्या करते हैं भैया? मैं प्राइवेट सेक्टर। कौन सी कंपनी में? ट्राइडेंट प्रेसिजन इंटरनेशनल। ये कहाँ पे है? ये सर गुड़गांव में। गुड़गांव में? अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसमें क्या जॉब क्या है? ट्राइडेंट इंटरनेशनल प्रिसीजन इंटरनेशनल। कोई बात नहीं, प्रिसीजन भी कर लेते। कोई बात नहीं, तुम अपना काम कर रहे हो, हमारा अपना काम है, ठीक है। तुम अपनी लड़ाई लो, हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। लेकिन ऐसा मत करो, ठीक है ना, कि कहीं गोली मार दो या ऐसा। ये जो आज हरकत करी है, अभी कोई एक्शन नहीं लोगे सर? अभी कोई एक्शन नहीं लोगे? अमूमन दहेज की शर्त पूरी नहीं होने पर शादियों को टूटते तो लगभग हर किसी ने देखा होगा, मगर पूर्णिमा में एक ऐसी दुल्हन है जिसने लड़के वालों के सामने शौचालय निर्माण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, परिवार नियोजन सहित कन्या भ्रूण हत्या जैसी शर्तें रख दी। इन्हें पूरी किए जाने पर ही शादी के लिए राजी हुई। खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।